फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसी एजुकेशन हब कानपुर एंड लेट्स कंटिन्यू फोटोसिंथेसिस पार्ट 6. ओके, इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट एंड टू फोटो सिस्टम्स. सो व्हाट इज रेड ड्रॉप इमर्सन एंड हिज को वर्कर्स डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड दे स्टेट दैट व्हेन वी सप्लाई ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर ऑन द प्लांट्स देन व्हाट हैपन their rate of photosynthesis decreases in comparison to the red light. Is that clear? It means rate of photosynthesis decreased when high wavelength of monochromatic light is used in photosynthesis. As this decrease in the rate of photosynthesis is related to the red region. Okay? Red region से related और एकदम से क्या हो रहा है? Photosynthesis की rate जो है वो decrease हो रही है. तो इस effect को हमने क्या बोलता है? Red drop effect. ओके, कि रेड रीजन के कंपैरिजन में अगर किसी भी और मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ की लाइट हम ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाएगी. दैट इज नोन एज रेड ड्रॉप इफेक्ट. इमर्सन इफेक्ट. इमर्सन और कोवर्कर्स ने और भी एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम सिंगल वेवलेंथ, सिंगल लाइट, चाहे वो हाई वेवलेंथ की है चाहे लो वेवलेंथ की है, जब हम किसी प्लांट पे उसको सप्लाई करते हैं या प्लांट को उसके अंडर एक्सपोज्ड करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है एंड दैट इज नोन एज द इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट. ओके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर व्हेन दे हैव यूज्ड हाई एंड लो वेवलेंथ लाइट रेडिएशंस डिफरेंटली. यानी फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट है उसको हम एक बार एक्सपोज कर रहे हैं हाई वेवलेंथ की लाइट के अंडर और एक बार एक्सपोज कर रहे हैं लो वेवलेंथ की लाइट के अंदर, तो क्या होता है? दोनों ही कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो हाई होगी. किससे? जब हम दोनों को मिक्स्ड, यानी हाई और लो वेवलेंथ की लाइट्स को या मीडियम वेवलेंथ की लाइट को जब इस पे डालते हैं तो उसके कंपैरिजन में जब हाई और लो वेवलेंथ की लाइट को सेपरेटली हम इस पे डालते हैं तो क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी. इसलिए हमने इसको बोला इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट. इज इट क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे फोटो सिस्टम के बारे में. तो फोटो सिस्टम या फोटो पिगमेंट सिस्टम जो है उसको हमने दो फोटो सिस्टम देखे हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, जिसको हम PS1 और PS2 के नाम से जानते हैं. ओके, देखिए PS1 है, इसमें क्लोरोफिल ए होता है 700 एंड इसमें क्लोरोफिल बी होता है 680. इज दैट क्लियर? अब देखिए फोटो सिस्टम के अगर हम डायग्राम की बात करें या उसके मैकेनिज्म की बात करें तो फोटो सिस्टम 2 सिस्टम होते हैं. इसमें मेनली एक रिएक्शन सेंटर होता है विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर और बाकी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं. ये एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उस लाइट एनर्जी को कहां? रिएक्शन सेंटर तक सेंड करते हैं. जैसे ही ये रिएक्शन सेंटर इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें? एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं. इज दैट क्लियर? यानी प्राइमरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो इसको एक्सेप्ट करता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं. तो फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है? जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो कहाँ? रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर करता है. रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में आते हैं जिनको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है. उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करते हैं और लास्ट में NADP की फॉर्मेशन हो जाती है. ओके, सेम मैकेनिज्म आपके फोटो सिस्टम 2 में भी होती है. तो ये 2 पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम है, ये 300 से 400 मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और साथ में कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं. इज दैट क्लियर बेटा? सो इसमें यही था रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट और 2 फोटो सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में. ओके बेटा, हैव ए गुड डे, गुड बाय.